सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एमबीए एडुकेशन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे आपको 99.99% लाना है बीएआरसी में। कैट 24 के जितने सारे एस्पिरेंट्स हो वो बिल्कुल इस वीडियो को देखना है एंड एंड तक चैनल को एंड वीडियो को बिल्कुल आप लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नया हो इस चैनल पे। एंड कैट 24 का एस्पिरेंट्स जो है वो कल आन एकेडमी में मैं 6 बजे शाम को ऑनलाइन रहूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एंड फास्ट कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया हुआ है। आप लोग बिल्कुल मेरे साथ ऑनलाइन कॉल रहेगा, उसमें आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। कैट 24 का जितना सारा एस्पिरेंट्स हो या आपको एमबीए एस्पिरेंट्स जितना सारा हो, क्योंकि क्या होता है ना बीएआरसी में आपको कोई आपको फॉर्मूला बेस्ड चीज़ नहीं है, बट यू हैव टू नो द ट्रिक्स एज बिकॉज वहाँ पर आरसीज रहता है, उसके साथ साथ आपको पैरा जंबल रहेगा, पैरा समरी रहेगा, कॉम्पिटिशन ऑफ सेंटेंसेस रहेगा जो इस बार कैट 23 में था। तो इसमें क्या हुआ था ना, स्लॉट 2 स्लॉट 3 में थोड़ा सा कॉम्पेरेटिव टफ आया था, बिल्कुल आता है, एंड स्लॉट 1 में थोड़ा सा इजी आता है। ऐसा नहीं है कि इजी मतलब कुछ भी नहीं है, दैट स्टेटस इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बट हाउएवर इट इज इसमें क्या है ना, अगर आपको ट्रिक्स पता है तो बिल्कुल आपको उतर जाइएगा, और नहीं पता है तो नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना, उसी में आपको करना है 8 को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कितना परसेंटाइल होंगे एंड 10 को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कितना परसेंटेज होंगे, 13 को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कितना परसेंटेज होंगे, वो भी मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो पे। ओके, सो वन सेकंड, मैं आपको बोल रहा हूँ आन अकेडमी में कल मैं 6 बजे शाम को ऑनलाइन रहूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बिल्कुल आप ऑनलाइन रहिए, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। ओके, हाउ टू गेट 99.99% इन कैट एज वेल एज हाउ टू इम्प्रूव योर स्केल स्कोर इन बीएआरसी। खास करके आपको FMS दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना है या आपको कोई भी आपको IIM में एडमिशन लेना है, उसमें आपको बिल्कुल आपको सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज बीएआरसी में 40% का स्केल स्कोर पकड़ता है FMS दिल्ली। तो उसमें अगर बीएआरसी में बहुत अच्छा आपको परसेंटेल टाइल नहीं होंगे या आपको स्केल स्कोर अच्छा नहीं आएगा तो मुश्किल है एडमिशन होना, मतलब क्या ना फास्ट कॉल ही आपको इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार, अपना जितना मिनिमम क्राइटेरिया है आपको IIM का, वो तो मानता नहीं है IIM, लेकिन क्या ना मिनिमम दे चुका है, क्योंकि कोई कोई कैसा होता है, सपोज आपको DILR बहुत स्ट्रांग है, क्वांट स्ट्रांग है, लेकिन आपको VRC में 75 आया है, लेकिन आप IIM अहमदाबाद का कॉल आपको आ सकता है बिकॉज 70 इज द कट ऑफ IIM अहमदाबाद, एंड टोटल कट ऑफ इज 80, बट हाउ एवर इट इज 99.99% नहीं लाने से टोटल में IIM अहमदाबाद का जिंदगी में कॉल नहीं आएगा एज वेल एज IIM बैंगलोर एज वेल एज कलकत्ता। ओके, सो एनी वे वॉट एवर मे बी, आई थिंक यू मस्ट रिमेंबर दैट इस वीडियो में जो पुराना मेरा सब्सक्राइबर है उसको मैं बोल रहा हूँ, पहले जो चीज़ मैं बताए थे एक दिन पहले, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट कैट से पहले जो कुछ कुछ चीज़ मैं बता दिया था, ठीक है ना, वही चीज़ लेकिन कैट में आया था, कंपटीशन टॉप होगा क्योंकि 3.3 लाख वाज द FPR, मतलब क्या ना फॉर्म फिलअप किया था उसमें 2.8 FPR हो चुका है, ठीक है ना। तो 50,000 आपको नहीं आया, बट हाउएवर इट इज़ कॉम्पिटिशन इज टॉप, उसमें स्केल स्कोर परसेंटाइल ये सब जो है मूव होता रहता है क्योंकि स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 का क्वेश्चंस वेरी करता रहता है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि जी मतलब आपको स्लॉट 3 हुआ तो बहुत टफ क्वेश्चंस आ गया तो आपको बहुत अच्छा कॉम मार्क्स में आपको 99.99% हो जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं, वो प्रोरेटेड बेसिस में एडजस्ट करता रहता है, दैट इज देयर प्रॉब्लम, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। सो एनी वे वॉट एवर मे बी, कल आप 6 बजे शाम को मेरे साथ रहिए आन अकेडमी में, ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, उसका फास्ट कमेंट में रहेगा, आप लोग बिल्कुल रहिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू।